बूट कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। वहीं हरीश रावत ने अपनी गिरफ्तारी दी और हवालात में जाकर बैठ गए। पुलिस के अधिकारी कांग्रेस नेताओं को समझाने में लगे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लिब्बरहेड़ी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और गांव जाने की जिद पर अड़ गए। रावत का आरोप था कि उन्हें सूचना मिली है कि गांव में लोगों को बूथों पर जाने से रोका जा रहा है, वोट नहीं डालने दी जा रही है। वहीं आरोप था कि कुछ लोगों की वोट बिना उनके बूथ पर जाए पड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री को एसपी क्राइम पंकज गैरोला ने समझाने का प्रयास किया तो वह अपनी गिरफ्तारी दिए जाने की जिद पर अड़ गए और पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। पुलिस की गाड़ी में बैठकर मंगलौर कोतवाली पहुंचे और वहां गाड़ी से उतरकर सीधे हवालात में जाकर बैठ गए। वहीं इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोतवाली में डटे रहे और जमकर नारेबाजी होती रही। एसपी देहात एसके सिंह ने कांग्रेसियों को समझाने का प्रयास किया। भयभीत होकर के, जो डर करके, पुलिस की ज्यादती से घबरा करके घरों में चला गया था, उनसे मैं निवेदन करना चाहता था कि आप जाइए पोलिंग बूथ पर, आप अपना मत का उपयोग करिए, जिसको भी आप वोट डाल लें अपने वोट डालिए। और मुझको 2-2.5 घंटे तक डिटेन किया गया, रोका गया, मुझको जाने नहीं दिया गया। और अब ये जो है, जब मैंने आगे जाने की कोशिश की तो मुझे ये यहाँ लाए हैं पकड़ करके, मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट घोषित किया है। अब वो जाने कैसे अरेस्ट है, क्या है। और मैं जो है सर, ये जो दबंगई दिखाई गई आज पूरे इलेक्शन को लेकर, इस पर क्या? ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और बाहरी तत्वों ने, राज्य के बाहर के नामचिन गुंडों ने आकर के जिस तरीके से उत्तराखंड में लोकतंत्र का अपहरण किया है, ये पूरे उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। हम इससे बहुत चिंतित हैं। सोचे समझे साजिश है रावत जी पूरी चुनाव के पीछे? ये भाजपा लोगों के मत के अनुसार नहीं जीत रही थी, इसलिए वो पार्टी जो है लोगों के वोट की, लोगों की भावनाओं का अपहरण करके चुनाव जीतना चाहती है। जिस तरीके से रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, ये उस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण करना चाहती है। यह अपहरण है, उसे उसके अलावा और कुछ नहीं, और उसका हम विरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे।